हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। गाइस टोटल मैं आपको यहां पे पांच जॉब रोल अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। केपजीमिनी हो गया, करियर हो गया, सैस्कैन हो गया, इस तरह से आपको मल्टीपल कंपनीज देखने मिल जाती है जहां पर आप सभी अप्लाई कर सकते हो। 2020, 2021 एंड 2022 बैच के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की रेगुलरली अपडेट मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस केपजीमिनी कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये केपजीमिनी की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आई है, firstnaukri.com पे पोस्ट हुई है। तो यहाँ पर गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 3 to 6 month का यहाँ पे जो होता है यहाँ पे क्राइटेरिया वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। केपजीमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 3 to 3.7 LPA का यहाँ पे आपको पैकेज देखने मिल जाता है। बैंगलोर मुंबई आपको दो लोकेशन मिल गई है। आप देख सकते हो 40 ओपनिंग देखने मिल जाती है आपको यहाँ पे, 3 to 3.8 LPA का आपको पैकेज देखने मिल जाता है। ओके, सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडस्ट्री टाइप देख सकते हो यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेशर्स कैंडिडेट एंड अप टू 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग, सेल्स कोऑर्डिनेटर, वेयर हाउस और स्टोर कीपर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, बिजनेस रोल इन्वॉल्व, ओके, बेसिक बिजनेस प्रोसेस, ये सभी आपको रिक्वायरमेंट देखने मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, टीम प्लेयर होने चाहिए, ये बेसिक स्किल्स दी गई है। यहाँ पे BE/BTECH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं दी गई है। आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2019, 2020, 2021 पास आउट बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया दिया गया है, कोई भी यहाँ पे एक्टिव बैकलॉग्स नहीं है, कोई भी आपके एजुकेशनल ड्रॉप्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको डिटेल में देखने मिल जाता है, यहाँ पे सिर्फ 50% का क्राइटेरिया मेंशन है आप सभी के लिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको जेनेसिस कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, जहाँ पे आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है IT, CAC, EC फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2022 ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस, यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स देखने मिल जाती है। ओके, यहाँ पे आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाउड टेक्नोलॉजीज में, डाटाबेस कॉन्सेप्ट में गुड टेक्नोलॉजी नॉलेज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सभी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो पूरी डिटेल्स रीड आउट करके आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। ओके, अब लास्ट अब थर्ड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको सेस्केन कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब देखने मिल जाती है। फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कोलकाता, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, मल्टीपल यहाँ पे आपको लोकेशन देखने मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019, 2020 एंड 2021 पास आउट बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। BE/BTECH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, BCA, BSc कैंडिडेट्स अप्लाई, BE/BTECH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, MC कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, MSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड ME/MTECH कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 65% का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। ओके, और यहाँ पे 19, 20 एंड 2021 बैच से अप्लाई कर ही सकते हैं। C++, जावा एंड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इन सभी में से कोई भी एक लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस देखने मिल जाती है गाइस। ओके, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिटिकल स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन एबिलिटी, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, ये सभी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो एंड इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको फोर्थ जॉब रोल अपॉर्चुनिटी करियर कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, जहां पे आपको एसोसिएट इंजीनियर की जॉब लोकेशन मेंशन की गई है। यहाँ पे BE/BTECH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल, EEE, ENC, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल एंड मैकेनिकल फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो। ओके, यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे देखने मिल जाती है और यहाँ पे आपको बेसिक टेक्निकल स्किल जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। तो आप ये पूरी चीजें रीड आउट कर सकते हो एंड इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट जॉब रोल हमारी आ जाती है गाइस workable.com के तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होने वाले 2022 बैच के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देखने मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। BE/BTECH कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं CS, ENC, IS और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम फील्ड से। MC कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 60% का क्राइटेरिया है। कोई भी आपके एक्टिव बैकलॉग नहीं होने चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए स्टडीज में। लोकेशन देख सकते हो बेंगलुरु, यहाँ पे आपको लोकेशन दी गई है। ओके, फर्स्ट 2 month आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, देन फुल टाइम जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने मिल जाती है। ओके, पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है, आप सभी रीड आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड कर देनी है, रिज्यूम अपलोड कर देना है। ओके, डिटेल्स ऐड करके इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। आई होप गाइस आपको सभी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी अच्छे समझ आ गई हो, वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।